मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज वचन पत्र जारी कर दिया। वचन पत्र सलाहकार समिति के संयोजक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कांग्रेस के वचन पत्र को गेम चेंजर साबित होने का दावा किया। राजेंद्र सिंह ने आईबीसी 24 से बातचीत करते हुए बताया कि 9000 से ज्यादा सुझाव आए थे, जिस पर मंथन करके हमने गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा के लिए नीति बनाई है। वचन पत्र सलाहकार समिति के संयोजक डॉक्टर राजेंद्र सिंह से बात की हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। कांग्रेस ने आज अपना वचन पत्र लॉन्च कर दिया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस वचन पत्र के जरिए सत्ता में वापसी मुमकिन होगी। मेरे साथ वचन पत्र सलाहकार समिति के संयोजक सीनियर कांग्रेस लीडर डॉक्टर राजेंद्र सिंह। सर, बड़ी उम्मीदें थी आप लोगों को, लगातार आप लोगों की एक्सरसाइज चल रही थी, क्या लगता है आपको इस वचन पत्र में सबसे खास क्या है? आप इसमें देखिए, खास यह है कि हमने सब वर्गों का ख्याल इसमें रखा है, कोई इसमें छूटा नहीं है। कर्मचारी का जो परेशान है भाजपा के शासन में, जो कुछ भी चीज़ें अभी शिवराज जी ने, उनकी सरकार ने मानी है, वो चुनाव के मद्देनज़र 3 महीने से हम लोगों ने पहले से पूर्वानुमान लगाया है। उनके रिप्रेजेंटेशंस हैं, वो क्या चाहते हैं, उनको हम लोगों ने कंसिडर किया है, और बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते थे हम लोग कर रहे हैं, तो कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं, युवाओं के लिए कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। छत्तीसगढ़ में जो गोधन न्याय योजना चल रही है उसको भी हम देख रहे हैं कि इसमें है 2 रुपये किलो आप लोग गोबर खरीदेंगे, और हम लोग 5 रुपये लीटर दूध जो सोसाइटियों को बेचेंगे। हम प्रोत्साहित कर रहे हैं अपने जो दुग्ध मार्केट फेडरेशन, मिल्क फेडरेशन, वो हमारे रिवाइव हो जाएं, जो आजकल मृत प्राय है। जाहिर है कांग्रेस ने वचन पत्र के जरिए तैयारी कर ली है सत्ता में वापसी की, और कांग्रेस को उम्मीद है कि धर्म आस्था से लेकर महिला, युवा, बुजुर्गों के लिए जो प्रोविजन अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, अपने वचन पत्र में जो किए हैं, उससे कांग्रेस को माइलेज मिलेगा और कांग्रेस आसानी से मध्य प्रदेश की सत्ता की दहलीज तक पहुँच सकेगी। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।